ऋषि सुनक की कामयाबी के पीछे है कड़ा संघर्ष। बेहद कम समय में पीएम पद के बने दावेदार। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में ऋषि सुनक वो नाम है जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। ब्रिटेन से भी ज्यादा उनकी चर्चा भारत में हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो भारतीय मूल के हैं। भारतवासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऋषि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं। देशवासी ऋषि को लेकर उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि ऋषि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी भारतीयता से पूरी मजबूती से जुड़े हुए हैं। वो आज भी खुद के हिंदू होने पर गर्व का अनुभव करते हैं और इसे बताने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो शान से अपने हिंदू होने का ऐलान करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बेहद इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा हो जाता है कि कुछ साल पहले तक यहाँ तक कि भारत में ही लोग हिंदू को बताने से हिचकने लगे थे और थोड़ी सी सफलता पाने के बाद तमाम लोग अपने कल्चर, अपने ओरिजिन को भूल जाते हैं। विदेशों की हालत यह है कि ज्यादातर जो लोग करियर बनाने के लिए विदेश चले जाते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें वहीं का समझें। वो खुद को भारतवंशी बताने में भी शर्म का अनुभव करते हैं, लेकिन ऋषि के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे खास वजह है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें अपने संस्कारों से अलग नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ऋषि सुनक बचपन से ही मंदिर से जुड़े हुए थे। वो हर हिंदू त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। ब्रिटेन में ही वो जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे कार्यक्रमों में शामिल होते थे। आज भी ऋषि अपनी संस्कृति से इस कदर जुड़े हुए हैं कि कई बार मंदिर के कार्यक्रम में रोटियां तक बेलने से पीछे नहीं हटते। ब्रिटेन के 250 सबसे धनी व्यक्तियों में से एक ऋषि सुनक की यही सरलता लोगों को उनका दीवाना बना देती है। ऋषि सुनक आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। हालांकि उनके पिता ने उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, इसके बाद उन्होंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की है। ये दुनिया के किसी भी इंसान के लिए सपना हो सकता है। दोस्तों, ऋषि के टैलेंट की अगर बात करें तो ऋषि ने बहुत कम समय में वो सब कुछ हासिल किया है जो लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। 2015 में उन्होंने पहली बार संसद का चुनाव जीता था। वो MP चुन लिए गए। ऋषि ने बोरिस जॉनसन के ब्रेक्सिट फैसले का समर्थन किया। ऋषि सुनक 2017 में एक बार फिर 40.5% वोट शेयर के साथ चुने गए। ऋषि का ब्रेक्सिट के लिए बोरिस जॉनसन को समर्थन के चलते उनका नाम खास लोगों में शुमार होने लगा। एक बार फिर 2019 में जब बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, तब ऋषि ने उनका समर्थन किया। बोरिस जॉनसन फिर से प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने ऋषि सुनक को चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी बनाया। 2020 की शुरुआत से ही बोरिस जॉनसन और तब के वित्त मंत्री साजिद जावेद के बीच मतभेद हो गए। इसके चलते साजिद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन ने ऋषि को वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा। वित्त मंत्री को ब्रिटेन में आधिकारिक रूप से चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहा जाता है। इस तरह प्रधानमंत्री बोरिस के बाद देश के आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी चांसलर की होती है, जिसे ऋषि सुनक ने बखूबी निभाया। ऋषि ने चांसलर बनने के बाद एक बजट पेश किया। इसके बाद से वो अपने मुल्क में हीरो बन गए। मार्च 2020 में उन्होंने जॉनसन सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में ऋषि ने 12 बिलियन पाउंड की देशवासियों को मदद की घोषणा की। फिर कोरोना वायरस से निपटने के लिए 350 बिलियन पाउंड की अतिरिक्त घोषणा की। इतना ही नहीं, ऋषि ने अपने देश की कंपनियों का भी भरपूर साथ दिया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार हर कदम पर देशवासियों के साथ है और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के केवल 7 वर्षों के बाद आज वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। दोस्तों, ब्रिटेन की राजनीति में तमाम भारतीयों ने अपनी जगह बनाई है, लेकिन प्रधानमंत्री की दौड़ में आज तक कोई शामिल नहीं हो पाया है। अगर ऋषि ये मुकाबला जीत जाते हैं तो भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, ऋषि के परिवार के ब्रिटेन पहुंचने के पीछे की कहानी क्या है, उनके माता पिता किस प्रोफेशन में थे, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। हम आपको उनसे जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट चीजें बताएंगे। ऋषि के पीएम बनने का भारत को है इंतजार। दोस्तों, ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन हैम्पशायर में हुआ। उनके पूर्वज पंजाब से थे, लेकिन इनके दादाजी पंजाब से ईस्ट अफ्रीका में बसे। कीनिया में उनके पिताजी यशवीर का जन्म हुआ। फिर 1960 में वो यूनाइटेड किंगडम में बस गए। ऋषि के पिताजी का नाम यशवीर सुनक था, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। ऋषि की माताजी उषा सुनक का जन्म भी तंजानिया में हुआ था। वो एक फार्मासिस्ट थी जो वहीं पर एक लोकल फार्मेसी चलाती थी। ऋषि सुनक को यहाँ तक पहुँचने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उनका कहना है कि एक समय में वो अपनी माँ की छोटी सी दुकान पर काम किया करते थे। इनके माता पिता ने ऋषि की शिक्षा व करियर को लेकर काफी स्ट्रगल किया। दोस्तों, अगर बात करें उनकी शिक्षा की, तो ऋषि की प्रारंभिक शिक्षा यूनाइटेड किंगडम के विनचेस्टर कॉलेज में हुई। यहाँ से शिक्षा पूरी करने के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और फिलोसफी पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ऋषि MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यहीं पर उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई और दोनों की नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि आज वो दोनों पति पत्नी हैं। अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी हैं। नारायण मूर्ति वही हैं जिन्हें इंडियन IT सेक्टर का पितामह बोला जाता है। ये इंफोसिस के फाउंडर और चेयरमैन हैं। अक्षता मूर्ति की माँ का नाम सुधा मूर्ति है। ऋषि और अक्षता एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर इन दोनों ने अगस्त 2009 में शादी कर ली।
इनकी शादी बेंगलुरु में हुई। अक्षिता अपने पिता के एक निवेश फर्म कटमरेन वेंचर्स की निदेशक हैं। अक्षिता अपना खुद का एक फैशन ब्रांड भी चलाती हैं। उनकी गिनती ब्रिटेन के धनी महिलाओं में की जाती है। शादी के बाद इन दोनों की दो बेटियां हैं, जिनका नाम अनुष्का सुनक और कृष्णा सुनक है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ऋषि ने अपना करियर कैसे शुरू किया था, क्या थी उनकी पहली जॉब? तो दोस्तों, ऋषि सुनक ने 2001 से 2004 तक एक एनालिस्ट के तौर पर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश में काम किया। इन्वेस्टमेंट बैंक वो होते हैं जो शेयर मार्केट के लिए काम करते हैं। इसके बाद ऋषि ने एक फर्म द चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट के लिए काम किया, जहां वो सितंबर 2006 में इसके पार्टनर भी बने। फिर वो नवंबर 2009 में अपने अन्य पूर्व सहयोगियों के साथ थैलेमे में पार्टनर के रूप में शामिल हुए, जो अक्टूबर 2010 में $700 मिलियन के साथ लॉन्च हुआ था। ऋषि सुनक अपने ससुर नारायण मूर्ति के स्वामित्व वाली निवेश फर्म कैटामैरान वेंचर्स के निदेशक भी रहे। ऋषि ने 2014 में अपना कदम राजनीति में रखा। वो यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने 2014 में उन्हें रिचमंड से कैंडिडेट बनाया। इसके बाद ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंच चुके हैं और अब सर्वोच्च पद के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, ऋषि सुनक की पॉपुलैरिटी बेहद ज्यादा है। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। कोविड पीरियड में जब उन्होंने खुद की काम करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की, उसके बाद से ही वो बेहद पॉपुलर हो गए। ब्रिटेन के हर एज ग्रुप में वो पसंद किए जाते हैं। डेविड कैमरन ने एक बार कहा था कि वो वक्त दूर नहीं जब ब्रिटेन में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनेगा। आज वो सच होता दिखाई दे रहा है। कभी इस देश ने वो वक्त भी देखा है जब लंदन पर राज करने का सपना भी देखना बड़ा मुश्किल होता था। देश की आजादी के 70 सालों बाद ऐसा लगता है कि 250 साल तक देश में राज करने वाले ब्रिटेन में एक भारतीय राज करेगा। जिन भारतीयों के लिए कभी गोरे अंग्रेज अपने दरवाजों पर कुत्तों और भारतीयों के लिए एंट्री बैन का बोर्ड लगाया करते थे, आज वही भारतीय अपने टैलेंट और अपनी क्षमता के दम पर उसी देश के सर्वोच्च पद की रेस तक पहुंच चुका है। दोस्तों, ये कहना अभी मुश्किल है कि इस चुनाव में कौन जीतेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर किसी वजह से इस बार ऋषि प्रधानमंत्री पद की रेस में पीछे छूटते हैं तो अगले आम चुनाव में उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ब्रिटेन में भारत का दमखम दिखाने वाले ऋषि सुनक की कहानी आपको कैसी लगी बताना ना भूलें।